वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएस। तो हम यहाँ पे एशियन इंडिया की सीरीज का शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। शुरू करने से पहले, अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ ओरिजिन की। फिर मैं बता दूँ कि मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करे हैं, तो इसको पढ़ने के बाद आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी शायद। चलिए शुरू करते हैं कॉज ऑफ ओरिजिन। तो पहला है इसका कि इन द पोस्ट बी द टाइम द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू फोर वर्ण। पहले क्या था आपका जो है पोस्ट वर्ण सिस्टम में, क्या था कि सोसाइटी जो थी वो डिवाइड थी चार वर्णों में, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया ही है आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैप्टर नंबर 8 को जरूर देखें। फिर ये सेकेंड पॉइंट क्या है कि द टॉप टू वर्ण, जो शुरुआत के दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ण थे जिनका नाम था ब्राह्मण्स और क्षत्रियास, इनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। हाँ, और सबसे ज्यादा हायर वर्ण इनको माना जाता था। अगर ये बात करें वैश्यास की, तो इसे भी थर्ड कैटेगरी में रखा जाता था, और इन तीनों को ही जो है वो द्विजा कैटेगरी में रखा जाता था। द्विजा का मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न। ट्वाइस बॉर्न क्यों कहते थे, इसके पीछे की ये कहानी है कि इन तीनों को ही, जो हम जनेऊ पहनते हैं ना, जो सैक्रेट थ्रेड पहनते हैं, उसको पहनने की इनको ही, तीनों को ही आज़ादी थी। और जो उसकी पूजा होती थी, जो उसके लिए सेक्रीफाइस करके, जो उसकी मेन मंत्रों से इसको पूजा कराया था, तो उसका मतलब था कि एक बंदे का फिर से जन्म हो रहा है ना। मतलब एक जन्म तो उसे हुआ ही हुआ है, और ये थ्रेड पहनने के बाद उसको एक और जन्म, उसको नया जीवन मिला है, तो वो इसलिए द्विजा कहलाता था, इस और द टॉयज बॉर्न। ठीक है, अब द्विजा क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एंटाइटल्ड थे टू वेयरिंग सैक्रेट थ्रेड, मतलब वही आपका जनेऊ पहनने के लिए एंटाइटल्ड थे, और ये स्टडी कर सकते थे वेद को भी, जो कि शूद्र जिससे जो है वो अलग रखे गए थे, कि शूद्रास वर नॉट अलाउड टू वेयर द सैक्रेट थ्रेड एज वेल एज स्टडी वेदास। ठीक है, शूद्रास का मेनली काम क्या था, ये सर्व करते थे ऊपर के तीन वर्णों को। ठीक है, अभी जो औरतें थी, विमेन्स थी, इनको जो है वो वेद पढ़ने से एकदम अलग रखा गया था। विमेन्स वर ऑल्सो केप्ट आउट फ्रॉम स्टडी वेदिक स्टडीज। अब जो शूद्रास थे वो अपियर हुए थे एज एन डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर स्लेव्स एंड क्राफ्ट्समैन एंड लेबर इन पोस्ट वेदिक टाइम। दे वर कॉल्ड क्रूअल, ग्रीडी एंड सम टाइम ट्रीटेड एज अनटचेबल। वर्ल्ड डिवाइडेड सोसाइटी क्रिएटेड टेंशन। अभी जब चार वर्ल्ड क्रिएट सोसाइटी डिवाइड हो गई, सबका अलग अलग कर्म हो गया, काम हो गया, तो ये टेंशन तो ऑब्वियस सी बात है सोसाइटी में हो ही जाएगी। अब हमें कुछ पता नहीं है, कोई मींस नहीं पता है कि टू फाइंड आउट द रिएक्शंस ऑफ द वैश्यास एंड द शूद्रास, बट क्षत्रियास स्ट्रॉन्गली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रिचुअलिस्टिक डोमिनेशन ऑफ द प्रीस्टली क्लास, दैट इज ब्राह्मणास। देखिए, हमें ये तो नहीं पता कि वैश्यास या शूद्रास ने कुछ रिएक्शन दिया था कि नहीं दिया था, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि जो क्षत्रिय थे उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया अगेंस्ट द रिचुअलिस्टिक डोमिनेशन ऑफ द प्रिंसली क्लास, दैट इज ब्राह्मणास। अब क्या, क्योंकि क्षत्रियास को पसंद बिल्कुल नहीं था कि ये इतना रिचुअल निभा रहे हैं ब्राह्मण्स, और ये सब इतने सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, तो इन्होंने काफी प्रोटेस्ट करा इसके अगेंस्ट। और जो वर्धमान महावीरा थे, जिन्होंने फाउंड करा जैनिज्म, और गौतम बुद्धा ने फाउंड करा बुद्धिज्म, ये दोनों ही जो थे वो क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते थे, और दोनों ही जो थे वो डिस्प्यूट था इनका विद द बॉडी ऑफ ब्राह्मणांस। अब क्या है कि द एग्रीकल्चर इकोनॉमी बेस्ड ऑन आयरन प्लाउशेयर रिक्वायर्ड द यूज ऑफ बुलॉक्स एंड इट कुड फ्लरिश विदाउट एनिमल हस्बेंड्री, बट द वैदिक प्रैक्टिस ऑफ किलिंग कैटल इन सैक्रीफाइसेस स्टूड इन द वे ऑफ प्रोग्रेस ऑफ न्यू एग्रीकल्चर। अब देखिए क्या बात क्या है, तो जेन्युइन सी बात है कि एग्रीकल्चर की जो इकोनॉमी है वो बेस्ड थी आयरन प्लाउशेयर पे, जिनमें जो है ऑब्वियस सी बात है कि आपको यूज होगा, बुलॉक्स का यूज होगा, तभी वो फ्लरिश हो पाएगी। अब जब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारे एनिमल्स की किलिंग ही करी जा रही है सैक्रिफाइस में, तो कैसे ही एग्रीकल्चर बढ़ता है ना। और अगर एग्रीकल्चर को बढ़ाना था तो स्टेबल करना ही था, किलिंग को स्टॉप करना ही था, तो इसलिए ये जरूरी था कि किलिंग को स्टॉप करा जाएगा, तभी एग्रीकल्चर बढ़ेगा। अब क्या है, यही पीरियड था, इसने देखा था बिगिनिंग ऑफ द कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, विच आर कॉल्ड एज पंच मार्क्ड कॉइन्स इन 5th BC।
दे सर्कुलेटेड फर्स्ट इन द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार। अब जो वैश्यास थे इन्होंने सपोर्ट करा दोनों को ही, महावीरा को भी और गौतम बुद्ध को भी। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे वर लुकिंग फॉर सम रिलीजन विच कैन इम्प्रूव देयर पोजिशन, क्योंकि वो खुद भी एक कोई ऐसा रिलीजन चाहते थे जो उनकी जो है वो पोजिशन को इम्प्रूव करे। और जो मर्चेंट्स थे या मतलब जो सेटीज थे वो मेड करते थे गिफ्ट इसको बुद्धा को और उनके डिसिपल्स को। अब जो वैश्या थे उन्होंने सपोर्ट करा जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को, बिकॉज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिकॉज सिस्टम। सेकेंडली दे प्रीच द गॉस्पेल ऑफ नॉन वायलेंस विच एंडेड द वॉर बिटवीन डिफरेंट किंगडम्स एंड कॉन्सिक्वेंटली प्रमोट ट्रेड एंड द कॉमर्स। वैश्यास को क्यों अच्छा लगा? देखिए, क्योंकि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ने समझाया कि देखिए लड़ाई नहीं करनी है, नॉन वायलेंस रखना है। तो उससे क्या हुआ? उससे जो दो किंगडम्स थे, डिफरेंट किंगडम्स थे, उन दोनों किंगडम्स में क्या हुआ? प्रमोट होने लगा ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये बात हो गई यहाँ पे। द ब्राह्मिनल लॉ बुक्स कॉल्ड द धर्म सूत्रास डिक्राइड लेंडिंग मनी ऑन इंटरेस्ट। अ पर्सन हु लिव्ड ऑन इंटरेस्ट वॉज कंडेम्ड बाय देम। देयर फॉर द वैश्यास हु लेंड मनी ऑन अकाउंट ऑफ गोइंग ट्रेड वर नॉट हेल्ड इन द स्टेम एंड ईगर टू इम्प्रूव द सोशल स्टेटस। सबसे बढ़िया। अब क्या है ना, ओल्ड फैशन पीपल डिड नॉट लाइक द यूज ऑफ कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर एंड गोल्ड। जो पुराने जमाने के लोग रहे होंगे उस वक्त के, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया ये सिल्वर और कॉपर और गोल्ड के कॉइन्स का यूज करना। तो दे डिसेंटेड न्यू ड्रेसेस, लग्जरी एंड हेटेड वॉर। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म प्रिफर्ड सिंपल एंड द एस्थेटिक लिविंग। जैनिज्म और बुद्धिज्म था, उन्होंने कहा था कि भैया एक सिंपल और एस्थेटिक लिविंग है, इस वजह से ये ओल्ड फैशन लोगों ने भी उसका सपोर्ट करा। अब देखिए हम वर्धमान महावीर की बात करते हैं और जैनिज्म की बात करते हैं जिन्होंने फाउंड करा था, इन्होंने फाउंड करा था जैनिज्म को। अब जो वर्धमान महावीर थे इन्होंने ये बॉर्न हुए थे 540 बीजी में इन अ विलेज नियर वैशाली विच इज आइडेंटिकल विद बसार इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वैशाली इन नॉर्थ बिहार। इनके जो फादर थे वो हेड थे एक फेमस क्षत्रिय क्लैन के, और इनकी जो मदर थी वो एक लिच्छवी ट्राइब की प्रिंसेस थी। ये जो थे वो कनेक्टेड थे विद द रॉयल फैमिली ऑफ मगध। अब बिगनिंग में क्या हुआ कि इन्होंने स्पेंड करी अपनी लाइफ एज एन हाउस होल्डर, बट जब ये 30 साल के हुए तो इन्होंने कहा कि मैं ये दुनिया को, मोह माया को छोड़ना चाहता हूँ एंड बिकेम एन एस्थेटिक। ही केप्ट फॉर वैंडरिंग फॉर 12 ईयर्स, 12 साल तक इधर से उधर घूमते रहे, नॉट मोर देन अ डे इन अ विलेज, एक दिन से ज्यादा किसी विलेज में नहीं रहते थे और 5 दिनों से ज्यादा किसी टाउन में नहीं रहते थे। इन्होंने अपने कपड़े भी नहीं बदले 12 साल तक, हाँ, और अबैंडन्ड देम ऑल टुगेदर व्हेन ही अटेन्ड परफेक्ट नॉलेज और कैल्वल्य एट द एज ऑफ 42। ठीक है, थ्रू कैल्वल्य ही कॉन्कर्ड माइसरी एंड हैप्पीनेस एंड केम टू बी नोन एज महावीरा और द ग्रेट हीरो और जिना एंड हिज फॉलोवर्स कॉल्ड जैन्स। ठीक है, ही प्रोपोगेटेड हिज रिलीजन फॉर 30 ईयर्स। इन्होंने अपना रिलीजन प्रोपोगेट किया 30 सालों के लिए, 30 सालों तक, और ये इनकी मृत्यु हो गई एट द एज ऑफ 72 इन 468 BC एट द प्लेस कॉल्ड पावनपुरी नियर मॉडर्न राजगिरी। अब देखिए डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैनिज्म की बात करें तो जैनिज्म ने 5 डॉक्ट्रिन्स टॉट करे हैं, पढ़ाए हैं, बताए हैं। पहला क्या है? डू नॉट कमिट वायलेंस। दूसरा है डू नॉट स्पीक अ लाई। तीसरा है डू नॉट स्टील। चौथा है डू नॉट अक्वायर प्रॉपर्टी। और पांचवा है ऑब्जर्व कॉन्टिनेंस, मतलब ब्रह्मचार्य। ये कहा जाता है कि जो पांचवा डॉक्ट्रिन था सिर्फ वही जो है महावीरा द्वारा ऐड करा गया था, और जो पहले के 4 डॉक्ट्रिन हैं वो उनके द्वारा लिए गए हैं उनके पुराने टीचर्स से। अब पर्श्व द प्रेडिसेसर ऑफ महावीरा आस्क्ड हिज फॉलोवर टू कवर द अपर एंड द लोअर पोर्शन ऑफ देयर बॉडी बट महावीरा आस्क्ड देम टू डिस्कार्ड कंप्लीटली। जो पर्श था उनका, जो प्रेडिसेसर था महावीरा का, उसने कहा अपने फॉलोवर्स को कि कवर कर सकते हो आप अपना ऊपर और नीचे का हिस्सा बॉडी का, लेकिन महावीरा ने कहा कि वो पूरा ही डिस्कार्ड हो, मतलब आप कंप्लीटली जो है वो क्लोथलेस रहो। अब बाद में क्या हुआ कि जैनिज्म जो था वो डिवाइड हो गया 2 सेट में, एक हो गया श्वेतम्बराज, दूसरा हो गया दिगम्बराज। श्वेतम्बराज क्या था? दोज़ हु पुट ऑन वाइट ड्रेस, जो सफेद कपड़े पहनते थे। और दिगम्बराज क्या था? जो पूरी तरह से नेक्ड रहते थे।
अब क्या है कि जैनिज्म ने रिकॉग्नाइज करी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट इट प्लेस देम लोअर देन जिना। इट डिड नॉट कंडेम द वर्ल्ड सिस्टम एज बुद्धिज्म डिड। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू महावीरा, अ पर्सन इज बॉर्न इन द लोअर और हायर वर्ल्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिंस डन बाय हिम इन द प्रीवियस वर्ल्ड। अब देखिए बुद्धिज्म ने क्या करा था ना कि पूरी तरह से वर्ल्ड सिस्टम को कंडेम्ड कर दिया था, मतलब उन्हें मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन महावीरा ने ऐसा नहीं करा था। वहाँ पे जैनिज्म में ऐसा नहीं हुआ था, और महावीरा ने ये कहा कि जो भी बंदा है वो अपनी कर्मों के अनुसार, अपने पुराने जन्म के कर्मों के अनुसार जो है वो इस जन्म में उस वर्ल्ड में पैदा होता है, कि वो हाई में, अगर उसके अच्छे कर्म है तो वो हायर वर्ल्ड में पैदा हुआ, और अगर उसके बेकार कर्म है तो वो लोअर वर्ल्ड में पैदा हुआ। ठीक है, अब महावीरा लुक्स ह्यूमन वैल्यूज इवन इन द चंदाला। जैनिज्म मेनली एम्स एट द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम वर्ल्डली बॉन्ड्स इन हिज ओपिनियन थ्रू योर प्योर लाइफ मेंबर्स ऑफ लोअर कास्ट कैन ऑल्सो अटेन लिबरेशन। इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज एनी रिचुअल फॉर अक्वायरिंग सच लिबरेशन। फुल नॉलेज, एक्शन एंड लिबरेशन आर कंसिडर्ड टू बी द थ्री जेम्स ऑफ द क्रिएटर्स ऑफ जैनिज्म। अब स्प्रेड ऑफ जैनिज्म की बात करें तो टू प्रोटेक्ट देमसेल्व फ्रॉम फेमीन मेनी जैन्स वेंट टू साउथ। अपने आप को फेमीन से बचाने के लिए काफी सारे जैन्स जो थे वो साउथ में चले गए, किसकी लीडरशिप में, भद्र बहु की लीडरशिप में, और जो बाकी के जैन्स थे वो सारे स्टेड करे मगध में ही, किसकी लीडरशिप में, एट द लीडरशिप ऑफ स्थाल बहु। अब जो साउथ वाले थे वो कहलाने लगे दिगंबरास, और जो मगध मगध वाले थे, मगधियंस थे, वो कहलाने लगे श्वेतंबरास। जैन मोनेस्टिक एस्टैब्लिशमेंट फॉर दिस स्प्रैंग अप इन कर्नाटका एंड वर ग्रांटेड लैंड बाय किंग्स फॉर देयर सपोर्ट। जैनिज्म स्प्रेड टू कलिंगा इन उड़ीसा, मालवा गुजरात, राजस्थान एंड तमिलनाडु, यहाँ यहाँ जैनिज्म स्प्रेड हुआ। अब देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा जैनिज्म का। Jainism mitigate the evils of the world order and the ritualistic Vedic religion. The early Jains discarded the Sanskrit language, principally patronized by Brahmins. They adopted instead Prakrit, the language of common people, to teach their doctrine. देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग के जो जैन्स थे उन्होंने पूरी तरह से संस्कृत लैंग्वेज को डिस्कार्ड कर दिया गया था, जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा यूज करी जाती थी, और उन्होंने अडॉप्ट करी एक लैंग्वेज जो कि थी प्राकृत, जो कि कॉमन पीपल को टीच करने के लिए यूज करी जाने लगी। अब जो रिलीजियस लिटरेचर थे वॉज रिटन इन अर्ध मगधी एंड टेक्स्ट आर फाइनली कंपाइल्ड इन 6th सेंचुरी इन गुजरात एट द प्लेस कॉल्ड वल्लाभी, द ग्रेट सेंटर फॉर एजुकेशन। मैनी लैंग्वेजेस डेवलप आउट ऑफ प्राकृत लैंग्वेज, कई सारी लैंग्वेज डेवलप हुई प्राकृत लैंग्वेजेस से, पर्टिकुलरली सौरासनी आउट ऑफ विच ग्रू द मराठी लैंग्वेज। मेनली जो है सौरासनी जो डेवलप हुई इसी से ही बाद में मराठी लैंग्वेज डेवलप हुई है। जनास कंपोज द अर्लीस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इन द अपभ्रंशा एंड इट्स फर्स्ट ग्रामर। जनास ऑल्सो मेड गुड यूज ऑफ संस्कृत एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द ग्रोथ ऑफ कन्नड़। अब हम बात करेंगे यहाँ पे गौतम बुद्ध और बुद्धिज्म की। तो गौतम बुद्ध या फिर आपको सिद्धार्था जो थे वो एक कंटेम्प्रेरी थे महावीरा के, जो कि पैदा हुए थे 563 BC में इन द फैमिली इन कपिल वस्तु लुम्बिनी विच इज सिचुएटेड इन द फुट हिल्स ऑफ नेपाल। अब जो गौतम के फादर थे वो किंग सुद्धोधना जिनका नाम था, वो लीडर थे शाक्या क्लैन के इन वॉट वॉज द ग्रोइंग स्टेट ऑफ कुशाला। हिज मदर क्वीन माया देवी वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम द कुशाला डायनेस्टी, कुशालन डायनेस्टी। ठीक है, इनकी शादी जल्दी करा दी गई थी, पर इनकी जो शादी जो मैरिड लाइफ थी उसमें इनका कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, और 29 साल की एज में, जैसे कि महावीरा के साथ हुआ था, इन्होंने भी घर छोड़ दिया और घूमते रहे टहलते रहे 7 साल तक, वैंडरिंग होती रही इनकी, और इन्होंने नॉलेज पाई एट द एज ऑफ 35 कहाँ, बोध गया में, किसके, एक पीपल के पेड़ के नीचे, और यहाँ से ये कहलाने लगे बुद्धा और द एनलाइटेड वन। ठीक है, बुद्धा ने अपना पहला जो सरमन डिलीवर किया था वो सारनाथ में किया था, बनारस में, कॉल्ड द धम्म चक्र प्रवर्तना सुत्ता उसे कहते हैं।
इनकी मृत्यु हुई एट द एज ऑफ 80 इन 483 BC एट द प्लेस कॉल्ड खुशीनगर, आइडेंटिकल विद द विलेज कॉल्ड कसिया इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द्यूरिया इन ईस्टर्न यूपी। अब हम कुछ डॉक्ट्रिन्स की बात कर लें बुद्धिज्म की, तो ही डिड नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ विद फ्रूटलेस कॉन्ट्रोवर्सीज रिगार्डिंग द सोल एंड द ब्रह्मा। ही सेड दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरोज एंड पीपल सफर एन अकाउंट ऑफ डिजायर। इन्होंने कहा कि जो आज भी ये बात मानी जाती है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो सोरोज से है, मतलब उसमें सिर्फ गम ही गम है, और जो लोगों का गम का मेन मेन जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि उनकी इच्छाएं, उनका डिज़ायर। अगर हमने अपने डिज़ायर को कॉन्कर कर लिया, अगर हमने अपनी इच्छाओं पे जीत पा ली, तो निर्वाण हमें ज़रूर मिलेगा, और वो जो इंसान है जिसने ऐसा करा होगा वो फ्री हो जाएगा फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड दी डेथ। इन्होंने एट फोल्ड पार्ट जो है वो रिकमेंड करे, जिसे कहते हैं अस्तगिका मर्गा, फॉर एलिमिनेशन ऑफ माइसरी, दुख को दूर करने के लिए, जो कि था राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट टाइम, राइट एक्सक्यूज, राइट मेमोरी और राइट मेडिटेशन। और कुछ मेन आइटम्स इनके सोशल कंडक्ट के थे कि डू नॉट कन्वेट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, डू नॉट कमिट वायलेंस, डो नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट, डो नॉट स्पीक अ लाई, डो नॉट इंडल्ज इन करप्ट प्रैक्टिसेस। किसी की प्रॉपर्टी को गलत नज़र से मत देखो, फालतू में झगड़ा मत करो, डो नॉट कमिट वायलेंस, डो नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट, ये दारू नशे की चीज़ें का उपयोग मत करो, झूठ मत बोलो, और किसी करप्ट प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व मत हो। अब मैं स्पेशल फीचर्स की बात करें बुद्धिज्म की एंड द कॉजेज ऑफ इट स्प्रेड, क्यों इतना स्प्रेड हो गया इसके बारे में बात करें, तो बुद्धिज्म रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल, और वुमेन्स आल्सो एडमिटेड टू द सुंगा और द रिलीजियस ऑर्डर एंड दस बॉट ऑन अ पार विद मेन, शंघा डोर वॉज ओपन फॉर एवरीबडी। है ना, आप समझे बात को, कि औरतें भी अलाउड थी, है ना, और औरतें भी अलाउड थी उसमें, और ये शंघा का द्वार था ये सबके लिए खुला हुआ था, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो। अगर हम कंपेयर करते ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म को, तो बुद्धिज्म जो था वो ज्यादा लिबरल और डेमोक्रेटिक था। He tried to fight evil by goodness and hatred by love. ये चाहता था कि जो है वो किसी बुरी चीज से अपनी अच्छाई से उस बुराई पे जीत पा सकते हैं, और अपनी प्यार से किसी नफरत पे जीत पा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो इन्होंने पाली लैंग्वेज का यूज करा ना, तो इसमें काफी लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया टू स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म, क्योंकि वो कॉमन लैंग्वेज थी। जो तीन मेन एलिमेंट बुद्धिज्म के थे वो थे बुद्धा, शंघा और धम्मा। पीपल ऑफ मगध, कोसाला, कौसंबी अडॉप्टेड दिस रिलीजन। और जो फेमस मौर्य किंग थे अशोका, उन्होंने एम्ब्रेस करा बुद्धिज्म को और स्प्रेड करा बुद्धिज्म इन सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया एंड श्रीलंका। श्रीलंका में तो उन्होंने अपने बच्चों को भेजा था स्प्रेड करने के लिए। अब है कॉजेज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द बुद्धिज्म। तो पहला कॉज क्या है कि इट स्टार्टेड लुकिंग वुमेन एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट। अब क्या है, डिक्लाइन क्यों होने लगा ये देखेंगे कि हम बुद्धिज्म क्यों डिक्लाइन हुआ, कम क्यों हो गया ये, क्योंकि देखिए औरत आदमी सब अलाउ थे, ठीक है, तो जो लोग थे वहाँ के वो मतलब जो भी अंदर अलाउ जो भी सारे लोग थे, उन लोगों ने औरतों को एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट की तरह देखना शुरू कर दिया। दे गेव अप पाली लैंग्वेज एंड अडॉप्टेड संस्कृत एंड ऑल्सो स्टार्टेड टू टेकिंग गिफ्ट्स। अब इन्होंने पाली लैंग्वेज जो यूज हो रही थी उसको छोड़ के संस्कृत की तरफ भागने लगे, संस्कृत लैंग्वेज अडॉप्ट कर ली और गिफ्ट लेना भी शुरू कर दिया, जो कि मना करा गया था। एक नया फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म डेवलप हुआ जिसे कहते थे वज्रयाना, जो कि ओरिजिनेट हुआ महायाना ट्रेडिशन से। एंड ऑल्सो ड्यू टू टर्किश इन्वेडर्स नाउ द बुद्धिज्म हैज डिसअपीयर्ड फ्रॉम द लैंड ऑफ बर्थ। यहीं पे उसका जन्म हुआ था हमारे भारत में, लेकिन अब जो है वो बुद्धिज्म यहाँ से पूरी तरह से डिसअपीयर्ड हो गया है। हम जैन्स के बारे में तो फिर भी सुन लेते हैं, लेकिन बुद्धिज्म तो डिसअपीयर्ड ही हो गया। अब इम्पोर्टेंस और इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म की बात करें, तो जो अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जैसे कि सुत्ता नी पता डिक्लेयर्स द कैटल टू बी गिवर एज अ फूड, ब्यूटी एंड हैप्पीनेस एंड शुड बी प्रोटेक्ट।
ये कहा जाता है इसके जो टेक्स्ट है सुत्तनित्विता के द्वारा कि कैटल जो है वो हमें देता है, हमें खाना देता है, खूबसूरती देता है और हैप्पीनेस देता है, तो उसको प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है। नॉन वायलेंस, झगड़ा ना करें, लड़ाई ना करें, आसपास में समाज में शांति बना के रखें। और जो बुद्धिस्ट की मोनास्ट्रीज हैं वो डेवलप हुई हैं एज अ ग्रेट सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड कैन बी कॉल्ड एज रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज। एग्जाम्पल आपका है नालंदा, विक्रमशाला बिहार में। द ग्रीक एंड द इंडियन स्कल्पचर्स वर्क टुगेदर टू मेक न्यू काइंड ऑफ आर्ट नोन एज गंधारा आर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।